यदि आपके पास भी इप्सन सीरीज का कोई प्रिंटर है जिससे कि आप आधार कार्ड राशन कार्ड को प्रिंट करना सीखना चाहते हैं, साथ ही आप प्रिंटर से रिलेटेड सभी बटन्स के प्रयोग को भी जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम पुष्पराज साहू है और मेरा YouTube चैनल एजुकेशन पुष्पराज में आप सभी का स्वागत है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास इप्सन का ये L3150 प्रिंटर है, इसी से हम लोग प्रिंट करना सीखेंगे। सबसे पहले आप पावर बटन को एक्सटेंशन बोर्ड पे लगा लेंगे और लगा लेने के बाद यहाँ से बटन ऑन कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे प्रिंटर का लाइट ऑफ है, यहाँ से प्रिंटर को ऑन कर लेंगे। पावर बटन ऑन कर लेने के बाद प्रिंटर को हीट होने में कुछ समय लगता है, तब तक चलिए इन सभी बटन के प्रयोग जान लेते हैं। यहाँ पर पहला बटन दिया गया वाईफाई और इस बटन का प्रयोग होता है प्रिंटर का वाईफाई ऑन करने के लिए। तो आप इसे ऐसे प्रेस करेंगे, प्रिंटर का वाईफाई ऑन हो जाता है। फिर थर्ड बटन दिया गया आई बटन और इस बटन का प्रेस के रहने से प्रिंटर का वाईफाई पासवर्ड और प्रिंटर से रिलेटेड सभी जानकारी प्रिंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे फोर्थ नंबर पर फोटोकॉपी बटन दिया गया। जी हाँ, इसका प्रयोग होता है ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए और इसका प्रयोग होता है रंगीन फोटोकॉपी करने के लिए। और लास्ट जो बटन है ये कैंसिल बटन है, इसका प्रयोग करते हैं प्रिंट कमांड को कैंसिल करने के लिए। ये बटन दबाने से प्रिंट कैंसिल हो जाता है। तो चलिए, हमारा प्रिंटर गर्म हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले ट्रे को हम लोग ऐसे खींच के बाहर कर लेते हैं और प्रिंटर में हम लोग यहाँ पर पेपर डाल देंगे। चलिए, इसमें आधार कार्ड प्रिंट करने के लिए हम लोग इस कवर को ऊपर कर लेंगे और यहाँ पर आधार कार्ड को देख लीजिए, इसको इस तरह से रख लेना है। जी हाँ, आप चाहें तो इस साइड से भी कर सकते हैं, चाहें तो इस साइड से। तो चलिए मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसको बंद कर लेना है इस प्रकार से। उसके बाद ये फोटो कापी ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक कर देंगे तो देखेंगे हमारा फोटो कापी प्रिंट होना स्टार्ट हो जाता है। अभी देखिए आधार का एक साइड ही प्रिंट हुआ है। इसे दूसरी साइड को प्रिंट करने के लिए इस पेपर को जैसे निकला था वैसे ही हम लोग इसमें ऐसे डाल देंगे। फिर यहाँ से हम लोग आधार कार्ड को भी पलट देंगे। जी हाँ, देखिए जैसे हमारा इस आधार कार्ड का ये फ्रंट एरिया प्रिंट हुआ था, अब इस दूसरे एरिया को प्रिंट करने के लिए हम लोग आधार कार्ड को इस प्रकार से ऐसे रख लेना है हमें दूसरे साइड, ठीक है। उसके बाद फिर इस कवर को फिर से बंद कर देंगे और यहाँ फोटो कापी बटन पर क्लिक कर लेंगे। फिर देखेंगे हमारा दूसरा साइड भी प्रिंट होना स्टार्ट हो जाता है। अब आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि हमारा आधार कार्ड फोटोकॉपी हो चुका है। तो चलिए, अब इस राशन कार्ड को भी हम लोग फोटोकॉपी करना जानते हैं। इसके लिए पूरा हम लोग कवर को ऊपर कर लेंगे इस प्रकार से। फिर राशन कार्ड का फ्रंट पेज को इस तरह से खोल लेना है। ओपन कर लेने के बाद इसे इस लेफ्ट साइड में ऐसे रख देंगे। रख देने के बाद हम लोग कवर को ऐसे बंद कर लेंगे। बंद कर लेने के बाद ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी बटन को प्रेस करेंगे। फिर देखेंगे हमारा राशन कार्ड भी प्रिंट होना स्टार्ट हो जाता है। देखेंगे राशन कार्ड का भी एक ही साइड प्रिंट हुआ है। अब इसे भी हमें ज्यों का त्यों, मतलब जैसा निकला है वैसा ही इस प्रिंटर पे पेपर को ऐसे डाल देना है। डाल लेने के बाद पुनः कवर को ओपन करेंगे और यहाँ से राशन कार्ड के लास्ट पेज को प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए इस बार राइट साइड पर ऐसे कॉर्नर में रख देंगे। रख देने के बाद कवर को पुनः ऐसे बंद करेंगे। फिर यहाँ से फोटो कापी बटन प्रेस करके फोटो कापी स्टार्ट कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर हमारे राशन कार्ड का दूसरे साइड भी प्रिंट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप इप्सन प्रिंटर को यूज करना और उस पर प्रिंट करना सीख गए होंगे। साथ ही इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।